नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ाए पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अधिकारियों को 24 घंटा में देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत दो अधिकारियों को जासूसी गतिविधियों में सम्मिलित होने की वजह से देश में मौजूदगी से निषिद्ध घोषित किया है। दोनों अधिकारियों को 24 घंटा में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक कूटनीति मिशन के सदस्य के तौर पर अपने दर्जे के आयोग गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप में दोनों को देश छोड़कर जाने को कहा गया है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा जिला में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग के दूसरे बुलेटिन के अनुसार झारखंड के गुमला, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा जिला के कुछ भागों में मेघ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात होगी। 1 जून से नहीं खुलेंगी सरकारी स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई 1 जून से शुरू नहीं हो सकेगी, जिसकी जानकारी निदेशक उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पूरा होने पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में 1 जून से विद्यालय खुलना संभव नहीं लग रहा, इसलिए स्कूल खोलने के निर्णय को अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाएगी। हम आपको बता दें कि स्कूलों में अन्य गतिविधियां 1 जून से हो सकेगी। स्कूलों में नामांकन व किताब वितरण आदि कार्य होंगे। झारखंड में आज 41 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 10, हजारीबाग से 3, रामगढ़ से 1, लोहरदगा से 1, रांची से 1, साहिबगंज से 2 और धनबाद से 23 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 594 से बढ़कर 635 हो गई, जबकि 256 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 190,603 है, जबकि 91,626 लोग स्वस्थ हुए और 5406 की मृत्यु हो गई। चतरा, रांची, पलामू, रामगढ़, लोहरदगा की खबर। चतरा में क्वारंटाइन सेंटर में युवक को सांप ने डंस लिया, सदर अस्पताल में भर्ती है। युवक चतरा सदर प्रखंड के लेमहा निवासी है। रांची के लापुंग में भालू ने दो लोगों पर किया हमला, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। पलामू जिला में कोयल नदी में युवक का शव मिलने से इलाकों में सनसनी फैला है। युवक मेदनी नगर क्षेत्र के शाहपुर निवासी है। लोहरदगा क्वारंटाइन सेंटर में पत्नी को छोड़कर एक मजदूर भागा, पुलिस तलाश में पूरी जुटी है। रामगढ़ जिला में टेम्पू और बाइक में भीषण टक्कर से एक की मौत, अन्य लोग गंभीर है, सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। झारखंड में एक्टिव केस 31 मई के अनुसार। झारखंड के 4 जिले में कोई एक्टिव केस नहीं है, जबकि 24 जिलों तक संक्रमण का फैलाव हो चुका है। रांची में 27, बोकारो 7, हजारीबाग 53, धनबाद 27, गिरिडीह 13, सिमडेगा 12, कोडरमा 39, गढ़वा 42, पूर्वी सिंहभूम 102, पश्चिमी सिंहभूम 15, सरायकेला 4, लातेहार 10, लोहरदगा 3, रामगढ़ 25, गुमला 21, पाकुड़ 5, पलामू 3, खूंटी 5, साहेबगंज से 3 है। मैट्रिक इंटर कॉपी जांच के लिए परीक्षकों की कमी दूर के लिए जिला स्तर पर नियुक्ति। मैट्रिक इंटर कॉपी जांच के लिए परीक्षकों ने योगदान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने स्थानीय स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि रांची में मैट्रिक के 1214 में से 349 तथा इंटर के कुल 506 में से 194 परीक्षक अनुपस्थित रहे हैं। झारखंड में 18 कंपनियां प्रतिदिन 55,000 लीटर सैनिटाइजर बनाएंगे। झारखंड में सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए राज्य में 18 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। इनके द्वारा 55,100 लीटर प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। कंपनियों को 4 प्रकार का लाइसेंस निर्गत किया गया है, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक सैनिटाइजर के निर्माण के लिए अलग अलग लाइसेंस दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा सैनिटाइजर की दर तय की गई है, इसके तहत 200 ml की कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है। आज से चलेगी रांची पटना जन शताब्दी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने सोमवार से 200 ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसमें रांची से पटना और पटना से रांची के बीच जन शताब्दी ट्रेन का परिचालन होना है। रांची रेलवे स्टेशन से 2:25 पर पटना के लिए ट्रेन खुलेगी, जबकि यह ट्रेन पटना से रांची के लिए 1:55 पर स्टेशन पर पहुंचेगी। सभी यात्रियों को एक एक कोच से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर बने चिन्ह पर खड़ा होना होगा, जिससे कि उनका थर्मल स्कैनिंग की जा सकेगी। झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। झारखंड में अनलॉकडाउन 1 जून आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन झारखंड में 136 कंटेनमेंट जोन में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलने जा रही है।
केंद्र के आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जानी है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य में होटल, धार्मिक स्थल आदि खोलने की अनुमति है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल जुलाई माह में खोलने पर निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। सैकड़ों श्रमिकों ने सुनी मन की बात, संकट से बचाव का लिया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। इस दौरान रांची के 15 कृषि बाजार में हजारों मजदूर श्रमिकों ने पीएम की बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबसे सामूहिक प्रयासों से संक्रमण के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों की दिलचस्पी योग और आयुर्वेद में बढ़ी है तथा आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जांच में तेजी के लिए रांची में फील्ड स्टेशन खोलने का अनुरोध। राज्य सरकार ने झारखंड में बढ़ते संक्रमण तथा आने वाले दिनों में जांच की गति और बढ़ाए जाने की जरूरत को देखते हुए ICMR से रांची में अपना फील्ड स्टेशन खोलने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने ICMR महानिदेशक को पत्र लिखकर रांची में फील्ड स्टेशन बनाने तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केंद्र को अधिकृत करने का प्रस्ताव दिया है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्ति। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है तथा लाभार्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन 30 जून के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा सकती है। रिम्स दुष्कर्म मामले में 35 जूनियर डॉक्टर पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस। रांची रिम्स की जूनियर डॉक्टर के साथ सीनियर द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के मामले का विरोध कर रहे और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना रहे 35 जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। मुंबई से एयर एशिया के विमान से रांची पहुंचे 189 मजदूर। मुंबई में फंसे झारखंड के 189 मजदूर रविवार की सुबह 8:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। इन मजदूरों का सहयोग नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के छात्रों ने किया। छात्रों ने सभी मजदूरों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और अपना फंड जुटाकर सभी को मुंबई से एयर एशिया के चार्टर विमान से रांची भेजा। मजदूरों ने बताया कि मुंबई की स्थिति अच्छी नहीं है। सर्दी खांसी बुखार के मरीज का ब्यौरा देंगे दवा दुकानदार। राज्य सरकार ने सर्दी खांसी वाले सभी मरीजों की पहचान करने में जुटी है ताकि उनकी जांच हो सके, लेकिन अक्सर सर्दी खांसी के लोग डायरेक्ट दुकान जाकर दवा खरीद लेते हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने मरीजों की पहचान के लिए सभी दवा दुकानदारों को ऐसे मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर रखने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र से 1801 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से पहुँचे लोहरदगा स्टेशन। महाराष्ट्र के विशालगढ़ से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 12 घंटे विलंब से लोहरदगा पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक एक कर सभी को भोजन का पैकेट और पानी दिया। इस ट्रेन में सभी जिलों के 1801 मजदूर थे जिन्हें बसों द्वारा गृह तक भेजा गया। धनबाद में बर्बाद हुए लाखों रुपये की दवा पर जाँच का आदेश CM। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में लाखों रुपए की दवा कार्यालय में ही खराब होने के मामले पर जांच कराने और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। धनबाद में दवाओं के अलावा बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की सामग्री भी खराब हो रही है। इस मामले में CDPO पर सवाल उठा रहा है। हम आपको बता दें कि धनबाद में गर्भवती महिला को दी जाने वाली जरूरी दवाएँ रखे रखे एक्सपायर हो गई है। झारखंड श्रमिक आयोग का गठन हो, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड श्रमिक आयोग का गठन करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने लिखा है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की दक्षता के साथ जिलावार डाटा तैयार कराए। जो भी प्रवासी मजदूर लौटे हैं वे किस क्षेत्र में दक्ष हैं इसका पूरा विवरण तैयार करना होगा। सभी क्षेत्रों में लोगों का जिलावार डाटा बने, फिर उसके बाद हुनर के हिसाब से रोजगार सृजन करने की जरूरत है। झारखंड में बस व ऑटो का परिचालन पर फैसला आज। झारखंड में लॉकडाउन में छूट देने को लेकर रविवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अगुवाई में पूरे दिन मंथन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात भी हुई लेकिन इस बात में अंतिम फैसला नहीं किया जा सका।
आपको बता दें कि आज सोमवार 1 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी और मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही राज्य में कपड़ा दुकानें, बस, ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर हुआ रांची का हिंदपीढ़ी, 28 दिन से कोई मामला नहीं। रांची के हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। रविवार को उपायुक्त रांची के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्र में 28 दिनों तक कोई भी मामला नहीं मिलने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। रांची उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किए जाने के बाद लॉकडाउन के सभी नियम लागू रहेंगे। अंतिम दिन 40 लाख जमा हुआ होल्डिंग टैक्स। नगर विकास सचिव ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के होल्डिंग टैक्स भुगतान बिना ब्याज के साथ करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की थी, जिसकी समय समाप्त हुई। रविवार को 1250 लोगों ने 40 लाख रुपए तक की राशि टैक्स के रूप में जमा किया। झारखंड में स्वस्थ होने वालों की दर बिहार और बंगाल से ज्यादा। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य बिहार व बंगाल में संक्रमितों की बढ़ती संख्या और उनके स्वस्थ होने का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि झारखंड में ठीक होने वालों का प्रतिशत बिहार और बंगाल से बेहतर है। लोग पड़ोसी राज्य की तुलना जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। बिहार में स्वस्थ होने की दर 37.34% है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 38.40% है, जबकि झारखंड में स्वस्थ होने की दर 42.1% है, जो कि दोनों पड़ोसी राज्यों से अधिक है। हजारीबाग में विधायक अंबा प्रसाद के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया। केरेडेरी के पांडू में बिना सरकारी आदेश के जनसभा का आयोजन कर सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ाई गई। यहां NTPC कोल परियोजना के कोयला ले जाने के लिए बनने वाले कन्वेयर बेल्ट के कार्य को रोकने की रणनीति को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया था। ग्रामीणों को बुलाने पर बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद भी इस सभा में सम्मिलित हुई और लोगों को संबोधित किया। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हमला, एक कांस्टेबल और एक आम नागरिक की गई जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराई केला थाना क्षेत्र में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल और एक आम नागरिक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ उस वक्त हुई जब जिला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम सर्च अभियान के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ कर रही थी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।